नमस्कार, आदाब एंड गुड इवनिंग। आप सभी का QNS की शाम की न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत है और मैं हूं आंचल मिस्किन। आज की हमारी पहली खबर लैंड इंक्रोचमेंट से जुड़ी है। लैंड इंक्रोचमेंट एक ऐसा इशू है जिससे जुड़ी कार्यवाही की खबरें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। इसी से जुड़ी एक खबर आई कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुशहालसर लेक के पास एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया, यानी इल्लीगली जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं उनको डिमोलिश, यानी उन बिल्डिंग्स को तोड़ने की बड़ी मुहिम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की। लोग सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर ऐसे इल्लीगल काम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बिना कंसर्न्ड ऑफिसर्स की जानकारी के खड़ी कर दी जाती हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ऐसी इमारतें, वो भी इतनी तादाद में, कैसे बन जाती हैं बिना ऑफिसर्स की जानकारी के? क्या उन्हें इस एनक्रोचमेंट की भनक भी नहीं लगती? ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्डिंग रातों रात खड़ी हो जाती हो। एक बिल्डिंग को बनने में महीनों का समय लग जाता है, तो क्या इस टाइम गैप में कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स को कोई खबर ही नहीं लगती? आखिर ऐसे कैसे ये हो जाता है? ऑफिसर्स को अपना काम पूरी तरह से निभाने पर अच्छी तनख्वाह मिलती है। ऐसी खबरों से सवाल उठते हैं कि आखिर अपॉइंटेड ऑफिसर्स अपने काम को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। इस मसले में लोगों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि हायर अथॉरिटीज़ को इल्लीगल बिल्डिंग्स को गिराने के साथ साथ सज़ा के रूप में कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के घरों को भी डिमोलिश कर देना चाहिए। ऐसी सज़ा से कंसर्न्ड ऑफिसर्स भी किसी भी तरह की नेग्लिजेंस से डरेंगे। लोगों का कहना है कि कंसर्न्ड ऑफिसर्स को भी इक्वली जिम्मेदार ठहराना चाहिए और सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जब तक खुद पर बात नहीं आएगी तब तक काम में कोताही इसी तरह से आने वाली कई सदियों तक चलती रहेगी। आज हमें जम्मू से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चक भलवाल से एमटेक कर रहे कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया। आपको आगे बात करने से पहले बता दें कि कोविड पैंडेमिक के कारण सफ़र करने वाले बिजनेसमैन, ऑफिस में काम करने वाले, या यूं कहें कि पैसा कमाने वाले ही सफ़र नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पढ़ाई डिग्रीज़ को परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़्यादा इस कैटेगरी के पॉपुलेशन में देखा गया है। इनके स्ट्रेस और डिप्रेशन की आग में घी का काम करती है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का अपने हिसाब से काम करने के तरीके पर अड़े रहना। नो डाउट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा हिसाब से काम करने का, पर जब से कोविड पैंडेमिक ने हम सभी को हिट किया है तब से एक नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हमें आए दिन स्टूडेंट्स से सुनने को मिलते हैं। ऐसी ही एक परेशानी एमटेक के स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर की, तो हमने इस मुद्दे को सबके सामने लाना सही समझा। इन स्टूडेंट्स का कहना था कि सभी कॉलेजेस की तरह इन्होंने भी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन फॉर्मेट से शुरू की। जब एग्ज़ाम की बात आई तो उन बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट किए और नेक्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत की, पर इनकी हालत ऐसी है कि अभी तक पहले सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए जा रहे। इन्हें कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कहा कि पीजी के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं लिए जा सकते, ऑफलाइन यानी कॉलेज आकर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पर इन बच्चों ने बताया कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड बाकी कॉलेजेस में पीजी के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मेथड से कंडक्ट कर लिए गए, तो इन्होंने ऐसे में सवाल उठाए कि इनका कॉलेज क्यों ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कर रहा। साथ ही इन स्टूडेंट्स ने बताया कि कई स्टूडेंट्स उनमें से दूर दराज इलाकों से आते हैं, जैसे डोडा, किश्तवाड़, पुलवामा, श्रीनगर, और ऐसे इलाकों से आने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, तो ऐसे में इनके पास अकोमोडेशन यानी रहने की जगह ही नहीं है जम्मू में, क्योंकि कोविड के कारण इनको किराए पे लिए हुए कमरे छोड़ने पड़ गए थे, और साथ ही इन्हें इतना दूर ट्रैवल करके आना है जो कोविड सिनेरियोज में बेहद रिस्की है। इस मसले पर इन स्टूडेंट्स और इनके पेरेंट्स ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से हॉस्टल रूम्स देने की भी रिक्वेस्ट की, पर ये बात भी अनसुनी कर दी गई। इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस क्राइसिस के कारण अपने बच्चों के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लेकर परेशान हैं। इनके माँ बाप ये सवाल भी उठा रहे हैं, क्या इनके बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी नहीं? जब UGC यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रख रहा है, तो कॉलेजेस उन पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? इन बच्चों ने कई तरह से एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बारामुल्ला के ऑफिस से भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी भेजी गई थी, जिसका भी कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला।
अब ये स्टूडेंट्स हायर अथॉरिटीज़ और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी ही अपील कर रहे हैं कि इनके फ्यूचर को बर्बाद ना करते हुए, इनकी बेहतरी को नज़र में रखते हुए, एज़ पर ऑल सेफ्टी मेजर्स फैसले लिए जाएं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की मुहिम सरकार की चालू है, जिसके लिए अलग अलग टीम्स असाइंड इलाकों दुकानों की चेकिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज सोमवार श्रीनगर से चेकिंग के दौरान चेकिंग करने वाली टीम से ही किसी एक बंदे ने इस दुकानदार के सर पर डंडा मारकर भारी चोट की, जिस वजह से इसके सर पर कई स्टिचेज आई। जिसवास करी जर्मान नफर डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर आज अपनी एक बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सामने आई। ये डेंटिस्ट्री में पोस्ट क्रिएशन की मांग को लेकर सामने आए, जिसको लेकर इनका कहना है कि पिछले 13 सालों से इस बात को इग्नोर किया जा रहा है। इशू वही है जो आप बार बार इग्नोर कर रही है गवर्नमेंट, हमारी इशू वही रहा है 13 साल से कि हमारी पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही है। सारे हमारे जो काउंटर डिग्रीज वाले लोग हैं, काउंटर प्रोफेशन के हैं, सब उनका सबका एडजस्टमेंट हो रहा है, पर हमारा 13 साल से अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है हमारी डिमांड। और डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा फील्ड है, इसको पब्लिक हेल्थ में जरूर अच्छे से इम्प्लीमेंट, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत नेसेसरी है, वो हमने क्लिनिक्स में रहते देखा है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की जो क्लिनिक्स है, वहां पे हमने देखा है कि कितनी जरूरत है पेरिफेरीज में। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी अगर हर किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा, ऑब्वियसली दे विल प्रेफर कि वो फिर से सिटी एरियाज में या अर्बन एरियाज में ही अपना क्लिनिक सेटअप करेंगे, तो रूरल एरियाज तो फिर से वहीं रह गए, जिनके लिए वी आर फीलिंग द पेन कि जब हमें बानिहाल से पेशेंट यहाँ आता है या कुलगांव से पेशेंट यहाँ आता है, फिर हमें वो चीज तो फिर से वहीं की वहीं रह जाएगी। व्हाई वुड अ डेंटल सर्जन, केपेबल डेंटल सर्जन ओपन अप हिज क्लिनिक इन अ फार फ्लंग एरिया? दैट्स द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। वो उनको देखना है कि उनको फार फ्लंग एरियाज में किस तरह से अपनी हेल्थ केयर नीड्स पहुंचानी है। वही प्रधानमंत्री ने आज कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस डिजिटल पेमेंट मोड ई रूपी को लॉन्च किया। सांबा डिस्ट्रिक्ट में आज 4 सस्पेक्टेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए, जिसे ड्रोन माना जा रहा है। पोशाना इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से शुपियन और पुंछ रजौरी को कनेक्ट करता हुआ मुगल रोड को आवाजाही के लिए बंद किया गया। गुलमर्ग बारामूला रोड के पास एक इलाके में बेडशीट्स में ढके हुए 4 राइस कुकर्स सस्पिशियस कंडीशन में बरामद हुए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की पड़ताल से पता चला कि उन राइस कुकर्स में कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं थे और शायद ये चुराया हुआ सामान हो सकता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सौगाम के आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन पॉन्ड में एक 16 साल का लड़का गिरा, जिसे बेहोशी की हालत में जम्मू कश्मीर सरकार ने मिशन यूथ इनिशिएटिव्स की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया। वही पुलिस ने अनंतनाग में लश्कर ए तोयबा मॉड्यूल का खुलासा किया और 4 मिलिटेंट एसोसिएट्स को अरेस्ट किया। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे उस सेगमेंट में, जिसमें हम आप सभी के साथ हमारे इनबॉक्स में आए किसी एक खास मैसेज को डिस्कस करते हैं। आज हमारे इनबॉक्स में एक जागरूक नागरिक ने एक मैसेज भेजा। उस मैसेज के साथ साथ उसने एक तस्वीर भी भेजी और जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ध्यान इस मैसेज की ओर लाते हुए लिखा था कि बीडीसी कोतरंका रजौरी को यूथ को बारिश के मौसम जैसे रिस्की कंडीशन में बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाने को इंस्पायर करने के लिए अवार्ड देना चाहिए। उसका कहना था कि ऐसी इरिस्पॉन्सिबल हरकत किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है और इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उसने फर्दर लिखा था कि ऐसे एक्शंस यूथ के लिए एक गलत संदेश छोड़ जाते हैं, क्योंकि अगर इनको रूल ना फॉलो करने पर किसी ने कुछ नहीं कहा तो उनको कोई कुछ क्यों कहेगा। ऐसे पोस्ट होल्डर्स पर सख्त जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एक्शंस से एक मिसाल कायम करें लोगों के लिए, पर ऐसी तस्वीरों से असर एकदम उल्टा ही होता है। इसीलिए इस मैसेज को करने वाले ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि ऐसे इंसिडेंट्स का पता लगने पर दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए कोई एक्शन जरूर लिया जाए। इसी के साथ आज QNS की शाम की न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे खबरें लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।